नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। अखिलेश यादव सत्ता में थे, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रकार के चांसेस नहीं लगते थे कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। लैपटॉप बांटे, आदमी को लगता था हाँ शायद अखिलेश यादव दोबारा आएंगे। एक नारा भी दे रहे थे अखिलेश यादव, काम बोलता है, उनको इतना कॉन्फिडेंस था। लेकिन हार जाते हैं, दो दो बार उनको हार का सामना करना पड़ता है। आखिर क्या कारण रहा, सारे उत्तर प्रदेश को, सारे हिंदुस्तान को पता है कारण रहा, हिंदुत्व की राजनीति। अखिलेश यादव पर लगातार यह आरोप लगते रहे कि अखिलेश यादव मुस्लिम हितैषी हैं, उनके सत्ता में आते ही मुसलमान पावर में आ जाता है। एक नाम और चलता था, यादव पावर में आ जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यादव नाम हटा दिया, सबको हिंदू बना दिया, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति करनी थी। और सबको यह लगने लगा वाकई में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी मुस्लिम हितैषी है। ऐसे ही नाम मुल्ला मुलायम थोड़ी पड़ गया था मुलायम सिंह यादव का, जहां एक तरफ उन्हें नेताजी कहा जाता था तो एक तरफ मुल्ला मुलायम का भी उन्हें एक शीर्षक दिया गया। तो ये जो मुस्लिम हितैषी की भावना थी, ये खत्म करना चाह रहे थे अखिलेश यादव। लेकिन अचानक उनका मन कैसे बदल गया। आजम खान जेल से आते हैं, आजम खान से उनकी करीबियां फिर बढ़ने लगती हैं, आजम खान को मनाने की कोशिश करने लगते हैं, जो कि अखिलेश यादव के लिए आने वाले समय में घातक साबित होगा। आज अखिलेश यादव की बिसात इतनी भी नहीं बची कि वह यादव लैंड में अपनी सीटें बचा सकें। मुस्लिम सीटों के भरोसे ही वह चुनाव लड़ रहे हैं, और इस चुनाव ने तो स्पष्ट कर दिया है कि यदि आप मुस्लिम के साथ खड़े हैं तो आप यादव चुनाव, यादव वोट को भी भूल जाएं, मात्र कुछ सीटों को छोड़कर। यह स्पष्ट हो चुका है बिल्कुल। लेकिन इस दौरान अखिलेश यादव ने आजम खान को खुश करने के लिए कांग्रेस छोड़कर आए इमरान मसूद को ना ही विधानसभा में टिकट दिया, ना विधान परिषद के लिए टिकट दिया उन्हें, बल्कि उनकी जगह आजम खान के करीबी शहनवाज खान शब्बू को टिकट दिया। इतना ही नहीं, जासमीर अंसारी नाम के भी नेता को उन्होंने टिकट दिया। आसिम रजा को भी रामपुर से लोकसभा के उपचुनाव के लिए टिकट दिया। यानी आजम खान को फुसलाने के लिए, मनाने के लिए उन्होंने लगातार, आजम खान ने जो जो कहा उनकी वह बातें मानी। उनकी बातें मानते हुए उन्होंने ओपी राजभर को भी दरकिनार कर दिया। ओपी राजभर को तो किया ही किया, केशव देव मौर्य को भी उन्होंने दरकिनार कर दिया, और उसका अंजाम यह हुआ केशव देव मौर्य अपनी पार्टी का, जो उनका गठबंधन था समाजवादी की पार्टी के साथ, वह तोड़ दिया। भले ही इस गठबंधन को तोड़ने का अभी कोई नुकसान नहीं हुआ अखिलेश यादव को, लेकिन आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना होगा अखिलेश यादव को। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव हिंदुत्व की राजनीति में डूब जाएं, लेकिन यही एक आज चारा बचा है, और यह शुरू कर भी रहे थे अखिलेश यादव। लगातार राम मंदिर की बात कर रहे थे। यदि आप राहुल गांधी की बात करें, वह भी अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कह रहे थे, अपना जनेऊ दिखा रहे थे। ममता बनर्जी की बात करें तो वह भी मंदिरों के चक्कर लगा रही थी। आप केजरीवाल की बात करें, वह भी मंदिरों के लगातार दौरे कर रहे थे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की राह पर सभी पार्टियां चलने लगी थी, लेकिन फिर से कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, जिस तरह आजम खान के चक्कर में उन्होंने ओपी राजभर हो या फिर केशव देव मौर्य हो, इन दोनों से उन्होंने पंगा ले लिया है। अब फिर से वही भावना जागृत हो जाएगी लोगों में कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी मुस्लिम हितैषी है। और इतना ही नहीं, तीन टिकटों के अलावा कपिल सिब्बल को, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है राज्यसभा में, उनको भी सहारा दिया अखिलेश यादव ने, केवल आजम खान के कहने पर। तो आजम खान को मनाने के लिए जो इतनी कवायदें कर रहे हैं, क्या इसका फायदा मिलेगा अखिलेश यादव को, या फिर उनके ऊपर एक धब्बा लग जाएगा कि आप मुस्लिम हितैषी हैं। इस संबंध में आपकी राय महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।